गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज की डेट है 30 दिसंबर और हम पहुंच गए धर्मशाला। कल रात को गोपुर की बैटरी ड्रेन हो चुकी थी इसलिए आगे का ब्लॉग नहीं बना सका। रात को हम 9 बजे पहुंचे हमारा हॉस्टल जो हमने बुक किया था, फ्लुगलर हॉस्टल जो धर्मकोट में मैकलोडगंज से ऊपर 1-2 किलोमीटर और धर्मशाला से एक टोटल 10 किलोमीटर रहेगा। तो हमने आने के बाद चेक इन वगैरह किया, उसके बाद डिनर वगैरह किया इधर ही, उनका सेपरेट कैफे है। तो अब मॉर्निंग में अभी देखेंगे, थोड़ा धर्मशाला एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि धर्मशाला का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो बंद है ड्यू टू कोरोना, एंड वो जो मेन मॉनेस्ट्री वो भी बंद है। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं आपका मेरा हॉस्टल दिखाता हूँ। ये हमारा हॉस्टल, फ्लुगलर हॉस्टल जो कि धर्मकोट में है, और ये इनकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे सब डॉर्म्स है, 10 बेड 8 बेड के ऑप्शन है आपके लिए, और अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए वो भी अवेलेबल है। रिसेप्शन यहाँ पे बैठ के आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे डॉर्म्स है, 10 बेड का ऑप्शन है, 8 बेड का ऑप्शन है, हम जो चाहे वो ले सकते हैं। इस साइड कैफे ऊपर, अंदर कैफे ऊपर भी जगह है। यहाँ पे आराम से बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। ये वाला कैफे इधर का, इधर भी बैठ सकते हो आप। और जो नीचे वो है बाक्सुनाक, और जो ऊपर का है वो धर्मकोट। इस साइड का ऊपर जाओगे आप, आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा, हॉस्टल द बंकर हॉस्टल एक्सेट्रा। और यही इनका कैफे, लाइव एक्टिव। लाइव म्यूजिक वगैरह चालू रहता है, अंदर आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। अभी हम चल के जा रहे हैं नीचे जिधर हमने कल रात को पार्किंग की थी, बाक्सुनाथ टेम्पल है उधर, उस पार्किंग की जगह है, उधर जा रहे हैं अभी। और ये पूरा ट्रेकिंग का रास्ता है, जो नीचे दिख रहा है वो है बाक्सुनाथ टेम्पल का एरिया, और ऊपर हमारा उधर हॉस्टल है। रोहित एक बात बता, तो ट्रेकिंग के लिए कैसे आ गया इधर से, ट्रेक के लिए कैसे आ गया? प्रॉब्लम नहीं है मुझे ट्रेक, पक्का उतर सकता है लेकिन चढ़ नहीं सकता ना? कल हम इस रास्ते से बैग लेकर आने वाले थे लेकिन वो भी रात को वो प्लान कैंसिल किया। तो बाक्सुनाथ टेम्पल से हमने टैक्सी कर दी, 2 आल्टो किए और ऊपर आ गए। चलो जाते हैं नीचे। अभी जा रहे हैं बाक्सुनाथ मंदिर जो कि हमने गाड़ी पार्क की थी उधर से 500 मीटर पे, देखेंगे क्या है मंदिर। वो बोलते उधर पवित्र सरोवर भी है, जाके देखते हैं क्या है। अभी हमारा ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमने 2 आल्टो किए, रोहित हमको सब पॉइंट्स घुमाने वाले हैं शाम तक। एक 4 पॉइंट है उसमें इंक्लूड होंगे, हर एक अल्टो के 1200 रुपये लिए उन्होंने, वो हमको 4 पॉइंट भी दिखाएंगे और ऊपर हॉस्टल तक छोड़ भी देंगे। अभी जाते हैं टेंपल तक, कृपया जूते पहन कर ऊपर ना जाओ।
इसलिए आपको उधर जूते इधर निकालने पड़ेंगे और आपको ऊपर इधर से जाना पड़ेगा। ये टेंपल भक्सुनाथ टेंपल अभी क्लोज हो चुका है, बाहर से दर्शन लेना पड़ेगा। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ तब तक। ये जो रास्ता है वो ऊपर जाता है वाटरफॉल के लिए, भक्सुनाथ वाटरफॉल, और पानी आता है इधर से जाता है। और ऊपर से उसका पानी इधर आता है। भाई कितने का? अरे हाँ मटेरियल ये मटेरियल में क्या में दे ये कितने को है? 100 और ये वाला 200 देख देना अभी 100 वाले अगर कलर जो चाहे वो दे देना। ये ले लो सवेरे का है। सब लोग हिमाचल प्रदेश की जो फेमस कैफे ओपन के चल रहे हैं, सब ने ले लिया है, हम सबके ऊपर शूट कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे सेंट जॉन्स चर्च, जो कि बिल्ट हुआ है 1852 में। यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। अंदर जाके देखते हैं। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही फेमस चर्च है इधर का। लेकिन अभी कोविड के कारण उन्होंने बंद करके रखा है, आप बाहर से देख सकते हो, लेकिन अंदर जाना मना है। अंदर कुछ दिखता है क्या? देखते हैं। गोल घूम के आते हैं उधर से। बहुत ऊंचा है। इस चर्च के बाजू में एक पुराना पेड़ है, दिखाता हूँ आपको, नाम है देवदार, और ऊपर है इतना। मैं अंदर का दिखाता हूँ कुछ दिखता है क्या। अभी क्रिसमस भी हुआ था 5 दिन पहले, उस टाइम शायद चालू हो गए चर्च। लेकिन अभी कोविड के कारण बंद किया हुआ है। चलते अगले पॉइंट की ओर। तो कैसा था ये पॉइंट अभी का? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। फोटोग्राफी के लिए अच्छा। बहुत सारे कितने फोटोज निकाले अभी? मोर देन 200 फोटोज निकाले। अभी किधर जाना है भैया? डल लेक। तो अभी जा रहे डल लेक। ये वो कश्मीर का डल लेक नहीं है, ये धर्मशाला का डल लेक है।
मिलते हो। हेलो, बहुत ही ढलान वाले रास्ते, इस गाड़ी का कंडीशन लेकिन बहुत अच्छा है, इसलिए हम ऑटो लेके जा रहे हैं। कल वाली जो गाड़ी थी आई थिंक उसका क्लच प्लेट का प्रॉब्लम था, वो ढलान के ऊपर जाने के बाद एक जगह पे रोटेट होती थी। अच्छा, आप यार खुद गाड़ी लेके मत आइए, कोई लोकल ड्राइवर रहेगा उसके साथ ही आइए, उन्हीं की गाड़ी ले लीजिए, अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए। अभी बहुत ट्रैफिक लगा है, लंबी कतार लगी है पीछे, यहाँ से उतर के चल के जा रहे हैं। अभी आगे है डल लेक, दिक्कत हो आपको। यह धर्मशाला की डल लेक, कश्मीर का डल लेक अलग है और धर्मशाला का डल लेक अलग है। वो बहुत बड़ा है कश्मीर वाला, ये थोड़ा छोटा है। उस तरफ से जाते हैं अंदर। ये जो डल लेक है ये मैक्लाउडगंज से एक लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पे ठंड बढ़ गई ऊपर आने से, यहाँ पे बर्फ भी बहुत गिर चुकी है, नीचे देख सकते हो आप, ऊपर भी इधर ठंड ज़्यादा लग रही है। अभी आराम से बैठ सकते हैं इधर आप। दिल्ली का है इसका इंफॉर्मेशन, मैं पढ़ के बताता हूँ। इस पवित्र झील की मान्यता मणि महेश नाम के बराबर है, इसमें स्नान श्री द्वेश्वर माधव मंदिर में दर्शन करने से दुख रोगों का नाश हुआ, मनोकामना संपन्न होती है, अतः पुण्य प्राप्त होता है। पैसे सोच रखे गंदगी ना फेंके, बराबर लिखा। हम सबकी जिम्मेदारी जो भी कचरा वगैरह रहेगा इधर उधर मत डाले, जिधर डस्टबिन दिखेगा आपको उधर डाल दिए, उधर घूम के जाते हैं अभी। अभी जाएंगे अगले वाले पॉइंट। अभी कौन सा पॉइंट है भैया? नट्टी व्यू पॉइंट, सनसेट पॉइंट, वही ना। चल के जाने के लिए बोला है। यहाँ की यही दिक्कत है, छोटे छोटे रास्ते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अभी 31st है कल, इससे बहुत सारी भीड़ हुई है। ये नट्टी व्यू पॉइंट, चलो नीचे जाते, नीचे उधर से। पहले हम नीचे जाके आएंगे, बाद में इधर सनसेट पॉइंट के लिए जाएंगे। दिनेश भाई, इस पॉइंट के बारे में आप क्या बोलोगे? ये पहले देखो, इसके बात करने के लिए कुछ बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, लाजवाब अल्टीमेट। और तुमको, तुम क्या सुन रहे थे? बहुत अच्छा था डल हाउसी में, बहुत सारा बर्फ देखने के बाद यहाँ पे मुझे लगा था कि बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट पहाड़ियों को देख के बहुत अच्छा लगा। ओके, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अरे झाले बजे 50 अभी बजे 4:30, और इधर सनसेट होता है 5:30 बजे तक। देखते मिलता है हमको भी देखने के लिए। अरे क्या हो गया, आने तुमको भैया? हाँ चलो, आप भी हमारे साथ सनसेट पॉइंट देखने के लिए। बोलो वुल्फ वाटते थे जरा, कसले खतरनाक। कुछ है क्या खाने के लिए? इसके लिए कुछ तो लेना, थोड़ा सा। शुभम रुको रुको, देता हूँ तुमको। कौन सा चाहिए तुमको? रुको रुको रुको, पहले टाइगर चाहिए या पार्ले जी चाहिए बताओ? ये चाहिए, ये वाला चाहिए, पार्ले जी चाहिए। खा लो खा लो खा लो, नीचे रखो।
मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही। इतनी ठंडी बाहर, गर्म गर्म में। अभी जाएंगे स्क्वायर ना, मैक्रोलोगन स्क्वायर। अच्छा, आपके आगे का अपना पॉइंट है मैक्रोलोगन स्क्वायर। दरवाजा नहीं लगा। सनसेट पॉइंट हो गया, अभी उधर जाके थोड़ा शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है उधर। अभी पहुंचे हैं मैक्रोलोगन स्क्वायर, यहाँ का फेमस एरिया शॉपिंग मार्केट। यहाँ पे थोड़ा रेस्टोरेंट चलना पड़ता है, सब इधर मिलेगा जो चाहिए वो। बहुत ही क्राउडेड एरिया है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। रास्ता आता है धर्मशाला से, आगे रास्ता जाता है धर्मकोट और बागसुनाग, और जाता है मॉनेस्ट्री। अभी अंदर हम बुद्धिस्ट टेम्पल में आए, यहाँ से हमको आगे जाना है। अंधेरा होने के कारण दिख नहीं रहा है। इसको क्या बोलते हो, देखते हैं पूछते हैं। इधर लिखा है इसमें अवलोकेश्वर के धानी ओम मणि पद में वो लोगों की संख्या में भरा हुआ है, इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाके पुण्य मिलते हैं। ऊपर बाएं हाथ की ओर घुमाएं, बहुत ही सुमंगल। अभी आगे जाके थोड़ा शॉपिंग करते हैं, इस मार्केट में क्या मिलता है देखते हैं अच्छा वाला। और अभी मेरी बैटरी भी खत्म होने को आ रही है, तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।